नमस्कार दोस्तों, आज तक आपने केवल फिल्मों में ये देखा होगा कि नागिन कैसे अपने नाग के कातिलों का बदला लेती हैं, क्योंकि नागिन अपने नाग की आंखों में ये देख लेती हैं कि किस व्यक्ति ने उसके नाग को उससे जुदा किया है। और फिर शुरू होती है नागिन के बदले की कहानी। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आप भी ये भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त, तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, ये घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव आरकीपुर में रहने वाले राम के साथ घटित हुई। दरअसल दोस्तों, एक नाग और नागिन का जोड़ा राम के घर में घुस गया और उस जोड़े ने उस बस्ती में अपना एक घर बना लिया, अर्थात वहां पर रहना शुरू कर दिया। राम ये सब कुछ देखकर बहुत अधिक डर जाता है, क्योंकि उसको इस बात का डर था कि कहीं नाग और नागिन उसको किसी प्रकार की कोई चोट न पहुंचा दे। फिर राम ने इस परेशानी से बचने के लिए गांव के लोगों को कहा। तब गांव वालों ने ये डिसाइड किया कि जब रात को नाग और नागिन सो जाते हैं तब वो नागिन को मारकर एक पेड़ पर लटका देंगे। प्लान के अनुसार गांव के लोगों ने रात आधी रात को एक सपेरे को बुलाया। सपेरे ने उस एक नागिन को मारकर बोरी में डालकर वहां पास स्थित एक पेड़ पर ले जाकर वहां पर लटका दिया। जब सुबह हुई तब उस नाग ने देखा कि उसकी नागिन यहाँ पर नहीं थी। तब नाग बहुत समझ चुका था कि गांव के लोगों ने उसकी नागिन को उससे जुदा कर दिया है और नागिन की याद में वो नाग पागल हो चुका था। फिर नाग ने अपनी नागिन का इंतकाम लेने के लिए लोगों के घर जाकर उनको डसना प्रारंभ कर दिया और ऐसे में गांव के बच्चे इस हमले में सबसे ज्यादा सपेट में आने लगे। और फिर गांव के लोगों ने नाग के सामने दूध रखकर उनसे माफी मांगी और कहा हमसे सबसे बड़ी भूल हो चुकी है। गांव के लोगों की प्रार्थना करने की वजह से फिर नाग वहां से निकल गया और गांव के लोगों ने भी एक सबक ले लिया कि आज के बाद कभी भी यदि हमें नाग और नागिन का जोड़ा मिले तो उन्हें छेड़ना तो दूर, उन्हें हाथ भी नहीं लगाना है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची और चमत्कारी घटना। पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।